हेलो फ्रेंड्स, ममता रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की बर्फी। कद्दू की बर्फी बनाने के लिए आपको एक पका हुआ कद्दू चाहिए। पका हुआ कद्दू लेकर के आप उसको अंदर का भाग साफ कर लें, उसके पूरे बीज हटा दें, अच्छे से साफ कर लें। तो साफ करके आप लें और छोटे छोटे पीस कर लें। चौकोर साइज में पीसेस को काट लें और इसको पूरा कद्दू ऐसे ही काट लें और इसको छील लें। इसका छिलका पूरी तरह से निकाल लें। कद्दू की बर्फी बहुत अच्छी बनती है। आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं बना करके, और बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत आसान तरीके से झटपट बनकर तैयार हो जाती है, केवल 10 मिनट में। अगर व्रत में कुछ खाने का ना हो तो आप इसे कद्दू की बर्फी बना सकते हैं। केवल कद्दू या शक्कर से ही इसे बनाया जा सकता है। पूरा कद्दू ऐसे छील लें, जितनी आपको बर्फी बनाना हो उतना कद्दू आप छील करके रख लें। ऐसे ही हम पूरा कद्दू अपना छील लेंगे, छील करके तैयार प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ पर हम एक गंजा या इडली का सांचा चढ़ाएंगे, उसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे और इडली का स्टैंड रख देंगे। इडली का स्टैंड या ढोकला का स्टैंड भी आप रख सकते हैं। और इसे आप 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा करके उबाल लें। जैसे ही आपके 10 मिनट हो जाएं, आप इसको एक बार चेक कर लें और या एक चम्मच ले लें या फॉर्क वाली चम्मच से, या आप चाकू से इसको दबा करके देख लें। और यहाँ पर आप चीनी को मिक्सर में पीस लें और उसमें आप पूरी तरह से इसमें डुबो करके आप चारों तरफ से इसको रख दें। जब ये ठंडी हो जाए या फ्रिज में भी रख सकते हैं। ऐसी पूरी फिश आप चीनी में डुबा करके रख लें। ये बर्फी बहुत टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर बनाइए कद्दू की बर्फी।